स्वस्तिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही अध्यापिका के भरोसे चल रहा है। इस विद्यालय में कक्षा एक से सातवीं तक के बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, जिसमें दो कमरे और एक बरामदा बना हुआ है। इस विद्यालय में सुविधाओं के नाम पर पानी की टंकी लगी है, मगर वह वर्षा से खराब पड़ी है, जिसमें पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से स्कूली बच्चों को अपने साथ ही पानी की बोतल घर से लानी पड़ती है। वहीं आधा दर्जन पद शिक्षकों के इस विद्यालय में खाली पड़े हैं, इसलिए एक ही शिक्षक इंदु खत्री के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। यही अध्यापिका कक्षा एक से सात तक के बच्चों को सभी विषयों की पढ़ाई का कार्य कराती है, और कमरे साफ सुधरे नहीं होने की वजह से बरामद में ही सभी स्कूली बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाई करानी पड़ रही है। हालांकि कुछ समय में बीएड की परीक्षा कर रहे कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए विद्यालय आकर बच्चों को पढ़ाई के कार्य में मदद करते हैं, मगर विद्यालय में आधा दर्जन शिक्षकों के पद खाली होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए घर से लानी पड़ती है बोतल। स्कूली बच्चों को स्कूल आते समय ही अपने साथ पानी की बोतल लानी पड़ती है, जिससे वह प्यास लगने पर पानी के लिए इधर उधर नहीं भटके। अध्यापिका ही झाड़ू और लगाती है और घंटियां बजाती है। इस विद्यालय में तैनात अध्यापिका इंदु खत्री खुद ही झाड़ू लगाकर सफाई कर बच्चों के लिए फर्श बिछाती है और खुद ही स्कूल ही घंटी बजाती है। पूरे विद्यालय में 146 बच्चे आते हैं रेगुलर पढ़ने। इस विद्यालय में 146 बच्चे हैं जो रेगुलर रूप से पढ़ाई के लिए विद्यालय आते हैं तथा अपने साथ ही पीने की पानी की बोतल भी लाते हैं। स्कूल में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई हो पाती है आपकी? पढ़ाई ठीक से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे स्कूल में टीचर मैं यूपीएस लालबस्ती स्कूल से हूँ, जिसका पूरा नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालबस्ती है। इस विद्यालय का नामांकन 146 है और इस समय केवल एक सिंगल पोस्ट है जिस पर मैं कार्यरत हूँ। मैं थर्ड ग्रेड L2 हिंदी से हूँ, लेकिन इस समय अपने पदविरुद्ध फर्स्ट लेवल पर काम कर रही हूँ। लेकिन इस कार्यभार प्रधानाध्यापक और सारा स्कूल का टोटल चार्ज मेरे पर है और कोई भी अन्य टीचर यहाँ पर नहीं है। कितनी पोस्टें हैं टीचर की यहाँ? 60 टीचर होंगे। अभी फिलहाल में कितने टीचर हैं? सिंगल टीचर हैं। और कक्षाएं कहाँ कहाँ से लग रही हैं? 1 से 7 तक। और पानी की व्यवस्था यहाँ पर? फिलहाल की व्यवस्था ये थी पिछले सेशन में बंद हो रहा है, इस वजह से अभी फिलहाल में घरों से ला रहे हैं बच्चे पीने के लिए। बच्चे घर से ला रहे हैं, वैसे जब भी अपन अब हमारे यहाँ समस्या की सुविधा है।